जिस प्राचीन नगरी में ज्ञान वापी से जुड़ा चुभने वाला मुद्दा गर्म है, वहां आज सीएम योगी भी थे। मुख्यमंत्री ने यहां एक मठ के कार्यक्रम में शिरकत की और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने काशी से अयोध्या के विकास की बात भी की, साथ ही साथ शाम को उन्होंने काशी में एक अहम बैठक की। जो काशी इन दिनों एक बार फिर सुर्खियों में, उसी काशी में शुक्रवार को सीएम योगी भी मौजूद थे और इसी काशी से उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की बात कही। अलग अलग पंथ और संप्रदाय भारत के अंदर है, लेकिन ये पंथ और संप्रदाय विभाजन के लिए नहीं है, ये मंजिल तक पहुंचने के लिए अलग अलग मार्ग हैं, रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है, वसुधैव कुटुंबकम का। दरअसल सीएम योगी दो दिन के काशी दौरे पर हैं। इस दौरे की शुरुआत उन्होंने जंगमबाड़ी मठ से की, जहां श्री जगतगुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी के पंचाधिक शताब्दी जन्मोत्सव कार्यक्रम में वे शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मठ में पूजा अर्चना की और साधुओं से मुलाकात भी की। सीएम ने अपने संबोधन में धर्म और विकास दोनों का संदेश एक साथ दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हम सब तो महाभारत के अर्जुन की तरह एक निमित्त मात्र है। पूरा मार्गदर्शन, पूरा नेतृत्व, पूरे देश को प्रधानमंत्री मोदी जी का प्राप्त हो रहा है और यही कारण है कि पूरा देश आज एक नई ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास की नवीन योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ दुनिया के सबसे प्राचीन नगरी काशी में थे और यहां से उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का भी जिक्र किया। काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ के धाम से, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सैकड़ों वर्षों के बाद वो पहचान फिर से काशी को दिला दी है और यही काम अयोध्या में भी हो रहा है। अयोध्या भी अब संवर रही है, अयोध्या भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य वहां पर बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। और आज के इस अवसर पर मैं आप सबको इस बात के लिए कहना चाहूंगा, हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है देश के हर पंथ और संप्रदाय के अनुयायियों के लिए वहां पर अपना धर्मशाला स्थापित करने के लिए, मठ की स्थापना करने के लिए अलग से भूमि के आवंटन की व्यवस्था वहां पर प्रारंभ हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास योजनाओं का भी जायजा लिया, साथ ही शाम के वक्त डीएवी कॉलेज में चौरी चौरा शताब्दी समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भी शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।